मैं छठी क्लास की तालिबा थी। नहायत ही ज़हीन और अक्लमंद, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती और कमज़ोर तालिबा की मदद करती। इसी के साथ फरवा भी पढ़ती थी। ज़हीन भी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं करती थी। सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। अस्मा उसकी बड़ी बहन कश्यप भी इसे हमेशा समझाती थी कि दूसरों की मदद किया करो, दूसरों की मदद करने से अल्लाह पाक खुश होते हैं, लेकिन वो हर बात को मजाक में टाल देती। एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिससे ये बात फरवा की समझ में आ गई कि वो आज तक गलत करती आई है। इम्तिहान में फरवा के 2 पेपर अच्छे हुए। तीसरे पेपर में वो खूब तैयारी करके स्कूल गई। जब वो पेपर शुरू हुआ तो पता चला कि वो अपना पेन और पेंसिल घर भूल आई है। बहुत परेशान हुई कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, क्योंकि उसने आज तक किसी की मदद नहीं की, इसलिए कौन उसकी मदद करता। वो मिस के डांस से भी डर रही थी। इसकी परेशानी को देखते हुए उसकी हमजमात तलबात इस्मा, इरम और लाइबा ने उसकी मदद करते हुए एक पेन और पेंसिल उसकी तरफ बढ़ा दी। इस वाक्य के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसे ये एहसास हो गया कि किसी की मदद करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि किसी की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। उसने अपनी हमजमात सहेलियों से अपने रवैये की माफी मांगी और आइंदा सबकी मदद करने का पक्का इरादा किया।